हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माझा मेनू में। आज हम देखेंगे कि गाय के दूध से कैसे हम गाढ़ा दही बना सकते हैं। ज़्यादातर मार्केट में जो दही मिलता है वो भैंस के दूध से ही बनाया जाता है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गाय के दूध से कैसे गाढ़ा दही बनाया जा सकता है। तो अभी हमारे दूध को उबाला आ चुका है, हम इसको लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो अभी हम इसको उतार लेंगे गैस पर से और ऐसे ऊपर नीचे 6-7 बार करेंगे ताकि उसमें वो आइसक्रीम जैसा है ना, बबली टेक्सचर आ जाए। यहाँ पे हमें गरम दूध में दही बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हम पहले उसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो हमें दूध का टेम्परेचर कितना चाहिए, जितना कि हमारी उंगली उसमें अगर हम डालें तो वो उसको सहन कर सके, मतलब हम उसमें आसानी से हमारी उंगली डाल सकते हैं, इतना टेम्परेचर दूध का हमें चाहिए। तो अब मैं पहले उंगली डालकर देखती हूँ टेम्परेचर कितना है, मतलब। तो अब इस दूध में मैं अपनी उंगली आराम से डाल सकती हूँ, मतलब यही सही टेम्परेचर है। तो अब मैं इसमें डालूँगी दही 2 चम्मच के करीब। देखिए, हमें दही भी इसमें गाढ़ा ही डालना है, अगर हम पतला दही डालेंगे तो वो हमारा दही भी जो बनके रेडी होगा वो भी पतला ही होगा। सो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जामुन जो हम यूज़ करेंगे वो गाढ़ा ही हो दही। तो इसे 1-2-3 बार मैं अच्छे से धीरे से घुमाऊँगी और फिर ढक्कन रख कर गर्म जगह पर हम इसे रख देंगे। इसको ढक्कन रखने के बाद इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह पर भी मुंह नहीं करना है। अभी मैंने इसको ओवन में रखा है, अभी 5 घंटे मैं इसको ऐसे ही रखूंगी और फिर देखिए 5 घंटे बाद हमारा दही बनके रेडी है। अब मैं इसको ढक्कन रख के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि वो और अच्छे से बने। तो देखिए 2 घंटे बाद हमारा दही एकदम गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर का बनके रेडी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ।